हेलो एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अडर 247। दिस इज़ योर डेली करंट अफेयर क्लास। और आज के हमारे क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ओके, सो आप यहाँ पर अगर सब आ चुके हैं तो अपना बोल सकते हैं आप यहाँ पर कि यस मैम, हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं और क्लास शुरू करें। ओके, सो इससे पहले देखिए, आपका जो भी करंट अफेयर का क्लास ये होता है, जब तक आप यहाँ ऑनलाइन आते हैं उससे पहले मैं बता देती हूँ, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं आपके पीछे के, अगर कोई भी 2 या 3 दिन से बच गया होता है न्यूज़, उसको भी मैं वहाँ पर कवर करवा देती हूँ। और लास्ट डे के सारे न्यूज़ जो होते हैं वो यहाँ पर कवर किए जाते हैं। ओके, सो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। एंड दिस इज़ द वन इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आज के जो मैं MCQ आपको करवाने वाली हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है उसको मिस नहीं करना है, ठीक है? सारे ही क्वेश्चन आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है? तो चलिए क्या शुरू करें क्लास। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपका आंसर करना है। लास्ट में आपको मुझे बताना है जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगी उसमें से कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। ओके, और अगर अभी तक आपने सेशन को यहाँ पर लाइक नहीं किया है तो आप सेशन को लाइक भी कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट डेबिट कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन ऑन द NPCI e-mandate API प्लेटफॉर्म। देखो, NPCI का फुल फॉर्म जो है वो आपको पता होना चाहिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? इसके जो प्लेटफॉर्म पे ये किसने लॉन्च किया, किसने ये डेबिट कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन शुरू किया है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। सो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको मुझे बताना है हु इज द MD & CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसके MD CEO कौन है, आपको ये मुझे बताना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। ओके, सो मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, और सबको ही पता होगा उदय कोटक। ओके, हु इज उदय कोटक, ही इज MD & CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, सो ये दोनों चीज़ें जो यहाँ से आपको याद रख लेनी है। अब आपको मुझे बताना है व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, आपको मुझे बताना है कोटक महिंद्रा बैंक जो उसका टैगलाइन क्या है। ओके, सो द टैगलाइन इज लेट्स मेक मनी सिंपल। ओके, सो देखिए, लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम आप जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसका आंसर भी आप साथ में बताया करिए, तो मैं वो आंसर आपको बताने के लिए कहती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका साथ में आंसर करूँ, तो आज की क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए पुट करती हूँ उनके आंसर मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी, ठीक है? तो ताकि आपको बाद में सर्च आउट ना करना पड़े। ओके, सो आई होप कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी स्टार्टेड इंडक्टिंग वीमेन एज जवान्स इन मिलिट्री पुलिस, ठीक है? तो मिलिट्री पुलिस जो है उसमें इंडक्ट करने लगे हम क्या वीमेन्स को। आपको बताना है जो टोटल मिलिट्री पुलिस है उसमें क्या वीमेन का कितना परसेंटेज होगा, यानी कितनी जो वीमेन्स हैं उनको वहाँ पर इंडक्ट किया जाएगा। ये यहाँ पर आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर ABCD में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है। ओके, सो यहाँ पर आपको मुझे बताना है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर, और आप मुझे क्या बता सकते हैं, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपको यहाँ पर मुझे ये बताना है आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है। ओके, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज़ 20%। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो इट कंप्राइज ऑफ 20%, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है? आपको क्या याद रखना है, आपको 20% जो है याद रख लेना है। हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये आपको मुझे यहाँ पर बताना है, जनरल बिपिन रावत। ओके, सो जनरल बिपिन रावत इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ के जो चीफ हैं वो कौन है, जनरल बिपिन रावत हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन हाई कमिश्नर टू सेशल्स, ठीक है? इंडिया के हाई कमिश्नर सेशल्स के लिए कौन बन गए हैं, ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। अगेन यू हैव टू टेल मी वट इज़ द कैपिटल एज वेल एज द करेंसी ऑफ सेशल्स। ओके, सो सेशल्स का कैपिटल और करेंसी क्या है, ये भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज दलबीर सिंह सुहाग। ओके, सो दलबीर सिंह सुहाग इज द इंडिया हाई कमिश्नर टू सेशल्स। ओके, सो सेशल्स जो है उसकी जो कैपिटल है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, विच इज क्या, क्या कैपिटल है, विक्टोरिया है। ओके, सेशल्स की कैपिटल क्या है, विक्टोरिया है। ओके, और करेंसी क्या है, यहां पर अगेन रूपी है।
कौन से वाले रूपी है? सेचल्स रूपी है. ओके, सो सेचल्स कैपिटल इज विक्टोरिया एंड द करेंसी इज सेचल्स रूपी. ओके, सो आई होप दिस इज जस्ट क्लियर टू यू. आपको मुझे यहाँ पर एक और क्वेश्चन का आंसर बताना है, हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ सेचल्स. ओके, सो आपको मुझे प्रेजिडेंट का भी नाम बताना है. सो हियर द आंसर इज डैनी फोरे. ओके, सो डैनी फोरे इज द प्रेजिडेंट ऑफ वॉट? सेचल्स. ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवॉर्ड, सॉरी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे. ओके, सो आपको बताना है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे. देखिए, अकेले अप्रैल मंथ से ही हम काफ़ी जो डेज हैं उनको कवर कर चुके हैं. 18 से शुरू हुआ था हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे, हमने बताया था, ठीक है. 22 को मैंने आपको क्या बताया था? वर्ल्ड अर्थ डे बताया था. 23 को मैंने क्या बताया था आपको? वर्ल्ड बुक डे, वर्ल्ड कॉपीराइट डे भी मनाया जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जो आंसर बताएंगे वो ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, दैट इज 26 अप्रैल. ओके, सो 26 अप्रैल जो है वो हमारा कैसे मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की तरह मनाया जाता है. आपको मुझे यहाँ कमेंट करके बताना है 25 अप्रैल का, ठीक है. सो 25 अप्रैल जो है वो हमारा कैसे मनाया जाता है, आपको यहाँ कमेंट करना है. ओके, सो 25 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है. अगर आपसे 24 पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 24 अप्रैल जो है वो कैसे मनाते हम? नेशनल पंचायती राज डे. ओके, सो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो आपको क्लियर हो गया है. 22 आपको क्लियर हो गया होगा. वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, 23 को हम वर्ल्ड बुक डे मनाते हैं, 24 को हम मनाते हैं नेशनल पंचायती राज डे, 25 इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड मलेरिया डे एंड 26 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been conferred with the National IP Award 2019? And this is the most important question of this session. Okay, so ये जो question है इस पूरे session का सबसे important question बोल सकते हैं. आपको इसका correct answer बताना है. National IP Award जो है, Intellectual Property Award जो है 2019 के लिए, वो किसको दिया गया है? Okay, so यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना था मुझे, जो मैंने आपको बताया last question में 26 अप्रैल. ओके, सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मैंने आपको बता दिया था. आपको एक चीज़ जो वहाँ पर मिस हो गई है वो है थीम. आपको ये वाला खुद बताना है इसका थीम क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है उसका थीम क्या रहा. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ डॉक्टर बैनी एंथोनी. ठीक है, डॉक्टर बैनी एंथोनी जो है उनको नेशनल आईपी अवार्ड 2019 के लिए यहाँ पर दिया गया है. ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आगे होंगी सारी चीज़ें. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. Which of these become first airline to fly plastic free? प्लास्टिक फ्री फ्लाई करने का मतलब क्या है? वहाँ जो वो एयरलाइन है उसके अंदर कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट जो है उसको यूज़ नहीं किया गया है. ठीक है, तो ऐसे एयरलाइन, ऐसे पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज यहाँ पर इतिहाद एयरवेज. ओके, सो इतिहाद एयरवेज जो है वो पहली एयरलाइन बन गई है जिसने फ्लाई किया है कैसे? प्लास्टिक फ्री. अब ये कहाँ की एयरवेज है? इट इज़ ऑफ UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उसकी ये एयरवेज है. UAE की आपको कैपिटल करेंसी मुझे बताना है यहाँ पर कमेंट करके, एज वेल एज यू हैव टू टेल मी हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ UAE. ओके, सो UAE का कैपिटल मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी, दैट इज़ अबू धाबी एंड द करेंसी इज दिरहम. ओके, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ UAE? आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है. खलीफा बिन जायद इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ UAE. ओके, सो ये उनका शॉर्ट फॉर्म में नाम है, खलीफा बिन जायद आप बोल सकते हैं या फिर खलीफा बिन जायद अल बोल सकते हैं. वो क्या है? हमारे प्रेजिडेंट है कहाँ के? UAE के. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रामसेन गुप्ता पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड. ठीक है, तो रामसेन गुप्ता जो है उनकी डेथ हो चुकी है. आपको बताना है वो कौन से फील्ड से यहाँ पर बिलोंग करती है, ए बी सी डी ऑप्शन में से है. ओके, सो दिस इज द वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑबिटोरी. आपसे ऑबिटोरी से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ये आपको कमेंट करके बताना है. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? माउंटेनियर.
रामसेन गुप्ता क्या है, एक माउंटेनियर है. ओके सो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर याद रख लेना है. मूव करते हैं हमारे 8th क्वेश्चन के ऊपर. ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन. देखिए इससे रिलेटेड काफ़ी जो क्वेश्चन है मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए थे, जो हमारा किसके ऊपर रहा था, एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप के ऊपर रहा था. अगर अभी तक आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं, आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करवाया है. ओके आपको यहाँ पर बताना है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2019 हैज़ बिन स्टार्टेड. ओके स्टार्ट हो चुका है. आपको बताना है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ISSF. ठीक है तो आपको मुझे कमेंट करके इसका हेडक्वार्टर बनाना है ए बी सी डी ऑप्शन में से. ओके सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ मुनिच इन जर्मनी. ठीक है मुनिच इन जर्मनी इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मनु भाकर वॉन गोल्ड इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड. ओके अब ये आपको पता होना चाहिए ISSF जो है उसमें हम टोटल 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं. ये जो चैम्पियनशिप हो रहा है इसमें हम 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं. ठीक है पहला मिक्स्ड था उसमें कौन थी, मनु भाकर, और उनके साथ कौन थी, संदीप चौधरी. ठीक है इन्होंने मिक्स्ड डबल्स में क्या जीत लिया है, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया है. ठीक है तो आपको यहाँ पर मुझे बताना, ये एयर पिस्टल भी याद रख लेना. ठीक है कौन सी कैटेगरी में, यहाँ पर कैटेगरी में इन्होंने जीता है, एयर पिस्टल कैटेगरी में जीता है. ठीक है तो यहाँ पर आपको बताना है शी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ हरियाणा. ओके सो मनु भाकर बिलोंग्स टू हरियाणा. ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सौरभ चौधरी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. देखो ये आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. संदीप चौधरी एज वेल एज मनु भाकर उन दोनों ने क्या जीता है, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया है ISSF चैंपियनशिप में. ठीक है तो आपको मुझे बताना है सौरभ चौधरी जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं. ऑब्वियसली ही इज रिलेटेड टू शूटिंग. ओके तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been conferred with the prestigious Master Dinanath Mangeshkar Award 2019? तो ये जो अवार्ड है 2019 के लिए आपको बताना है किसको दिया गया है इन सारी पर्सनैलिटी में से, ए बी सी डी में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर आपको बताना है. ओके सो टेक योर टाइम एंड आंसर इट. आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट आंसर है. ओके सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, दैट इज मधुर भंडारकर, सलीम खान एज वेल एज हेलन. ठीक है इन तीनों को ही दिया गया है ये मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसके लिए, 2019 के लिए. ओके सो आई होप ये वाली चीज़ जो आप यहाँ पर याद रख लेंगे. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ओके हु हैज़ बिन गिवन स्पेशल अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा. अब देखो काफ़ी डिफरेंट अवार्ड दिए गए थे तो आपको यहाँ पर ये याद रख लेना है इंडियन सिनेमा के कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड किसको दिया गया है. आपको यहाँ पर कमेंट करना है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ मधुर भंडारकर जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है. ओके सो आपको यहाँ पर याद रख लेना है. आगे देखते हैं. देखो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आपको याद रख रहे हैं यहाँ पे, जो आपको 3 अवार्ड दिख रहे हैं तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. लाइफ टाइम अवार्ड अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सलीम खान बताएंगे. स्पेशल अवार्ड किसको दिया गया, हेलन को दिया गया है. एंड मोहन वग अवार्ड दिया गया है सोयारे शकल को. ठीक है तो ये तीनों नाम जो है आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. विच कंट्री टॉप्ड इन द एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप 2019. अगर आप चाहते हैं ये एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप को डिटेल में पढ़ना तो आप कल वाला क्लास भी देख सकते हैं. और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है आप कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर. ओके सो ए बी सी डी में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बहरीन. ओके सो बहरीन जो है उसे यहाँ पर क्या जीत लिए थे, मैक्सिमम गोल्ड मेडल जीत लिए थे. ओके इसलिए उसने क्या कर दिया, यहाँ पर टॉप कर दिया है. सेकंड पे कौन रहा, चाइना. ओके एंड द थर्ड वाज जापान. ओके थर्ड हमारा जापान, तो उसके बाद फोर्थ क्या रहा, इंडिया रहा है. ओके सो इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया ने. और टोटल मेडल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते हैं, 17 मेडल्स जीते हैं. अगर आपसे बहरीन का टोटल मेडल पूछा जाएगा तो आप कितने बता देंगे, 22 मेडल्स बता देंगे, जिसमें से 11 क्या थे यहाँ पर, गोल्ड मेडल्स थे.
ओके सो आपको समझ आया, बहरीन फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड है, जापान थर्ड है, इंडिया जो है यहाँ पर फोर्थ है, ठीक है। बहरीन ने टोटल मेडल 22 जीते थे जिसमें से 11 क्या थे गोल्ड मेडल से, ओके। और इंडिया ने कितने जीते हैं टोटल मेडल, 17 थे जिसमें से 3 जो हैं वो थे गोल्ड मेडल्स, ओके। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आप बहरीन का कैपिटल उकरण से भी देख सकते हैं, बहरीन का कैपिटल है मनामा, करेंसी क्या है यहाँ पर दिनार है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। विच स्पेस एजेंसीज इनसाइट लैंडर स्पेस क्राफ्ट डिटेक्टेड द मार्स क्वेक ऑन रेड प्लैनेट, यानी आपको बताना है जो मार्स है उसके ऊपर मिशन था जिसके अंदर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पर, मार्स क्विक बोला गया, जैसे यहाँ पर हमारा अर्थ क्विक होता है वैसे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पर, मार्स क्विक जो है उसको ऑब्जर्व किया है। तो आपको एजेंसी का यहाँ पर नाम बताना है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है, ओके। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज नासा, ओके। सो आपको यहाँ से क्या याद रख लेना है, नासा याद रख लेना है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज फॉर 2019। अगेन दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना है, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, यानी राणा दास गुप्ता जो हैं उन्होंने ये अवार्ड जो है जीत लिया है, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज जो है वो किसको दिया गया, राणा दास गुप्ता को दिया गया है। आई होप आपको सेशन में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आपका रिविजन भी काफ़ी अच्छे से हो रहा होगा, ओके। अगर आपको ये सारे सेशन अच्छे लगते हैं तो आप इस सेशन को लाइक भी कर सकते हैं। मूव करते हैं आज के हमारे फाइनल क्वेश्चन के ऊपर, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2019 इज ऑब्जर्व ऑन, ओके। आपको बताना है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो कब से कब तक मनाया जाता है, ओके। सो यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या करेक्ट है यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 24th to 30th April, ओके। वो कैसे मनाया जाता है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की तरह मनाया जाता है, ओके। सो आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए, आज हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। और ये जो मेरे करंट अफेयर के क्लासेस हो रहे हैं देखिए, तो उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनवा दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी क्लास को देखने के लिए। देखो अभी आप ये जो क्लासेस देख रहे हैं इसमें मैं आपसे आपको 10 to 15 और इससे भी ज़्यादा ही क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ अलग अलग जगह से, यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपका मिस हो जाए, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप तक पहुँचे, तो मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। तो आप इस सेशन को एक लाइक दे सकते हैं, ठीक है, लाइक करके बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कितने अच्छे लग रहे हैं, ओके। अगेन आपका क्लास हो सकता है कि संडे को ना हो पाए, ओके। ये जो करंट अफेयर क्लास है आपका संडे को हो सकता है ना हो, लेकिन मंडे को आपका करंट अफेयर क्लास भी होगा, ओके। और उसके अलावा आपका 4 PM क्लास भी होना है, ठीक है। तो मंडे का आपका मॉर्निंग में 5 AM क्लास, करंट अफेयर का क्लास भी होने वाला है। अगेन आपका जो 4 PM क्लास होता है वो भी होने वाला है, तो आपको दोनों ही क्लासेस जो हैं उसको फॉलो करना है, ओके। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आया है।